मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि कोरोना संक्रमण को और कम किया जा सके। साथ ही पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले बच्चों को भी प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन कराया जाएगा। गुरुवार को मध्य प्रदेश कोरोना वॉलेंटियर और जन अभियान परिषद के सदस्यों से विचार साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सभी ने जान पर खेल कर काम किया है। मानवता की सेवा करने वाले साथियों को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि अब कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की बात कही जा रही है। चिंता की बात है कि इस लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में यह जरूरी है कि बच्चों के माता पिता स्वस्थ रहें। मेहर में पूर्व सीएम कमलनाथ की सरकार गिरने को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस में ही बवाल खड़ा हो गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने कहा है कि अपनी अक्षमता का ठिकरा विंध्य पर न फोड़ा जाए। इस तरह के बयान से विंध्य का अपमान होता है। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि इससे निराश हो जाते हैं। 2020 में सरकार गिरने का कारण विंध्य नहीं है बल्कि कमलनाथ खुद थे। अजय सिंह यही नहीं रुके, आगे बोले कि ऐसे शब्द न बोले कि भाजपा को राजनीति करने का मुद्दा मिल जाए। भारत विश्व में हो रहा बदनाम के सवाल पर अजय सिंह ने कहा, संयम रखने की जरूरत थी। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर। सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में सोमवार को मिले अवशेषों को लेकर नया खुलासा हुआ है। खुदाई के दौरान मंदिर के दक्षिण क्षेत्र में प्राचीन मंदिर की दीवार दिखाई दी है। बताया गया है कि यह दीवार करीब 2100 साल पुरानी विक्रम आदित्य काल की है। बुधवार को भोपाल से पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने यहां जांच की। अधिकारियों का कहना है कि मंदिर की खुदाई अब जानकारों की निगरानी में होना चाहिए। पुरातत्व विभाग अब इसकी रिपोर्ट बनाकर संस्कृति मंत्रालय को सौंपेगी। मध्य प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां लगभग हर दिन जारी है। पिछले चार दिनों से बादल दोपहर से छा जाते हैं, फिर शाम होते होते बरस पड़ते हैं। गुरुवार को भी ऐसा ही हुआ। दोपहर 3 बजे अचानक से काले घने बादल आसमान पर छाए, वहीं आंधी के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। शुरुआत में तो यह आधे शहर में थी लेकिन धीरे धीरे पूरा इंदौर भीग गया। इंदौर में ओले और तेज आंधी के साथ शुरू हुई बारिश से 20 से ज्यादा पेड़ धराशायी हो गए। शहर के ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल हो गई। तेज बारिश के कारण ज्यादातर जगहों पर BRTS ने नालों का रूप ले लिया। इंदौर में मंदिर मस्जिद बंद रखकर शराब दुकानें खोलने के मुद्दे पर विधायक आकाश विजयवर्गीय सामने आए। उन्होंने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सबकी इच्छा है कि शराब को बंद किया जाए। मुख्यमंत्री उस दिशा में काम भी कर रहे हैं लेकिन अभी सरकार को जनता का ध्यान रखने के लिए आर्थिक जरूरत भी है। विजयवर्गीय ने कहा, काम धंधे कम चल रहे हैं, प्रदेश सरकार के पास टैक्स भी बहुत कम आ रहा है, कोविड इलाज में खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं से तत्काल में पैसों की व्यवस्था कर रही है, इसी कारण शराब की दुकानों को छूट दे रखी है। हालांकि सीएम प्रदेश में शराब बंदी हो इसके लिए प्रतिबद्ध है।